बहुत ही सुंदर कहानी है। इसमें बताया गया है, मैं आपको पहले इसका हिंदी में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। इसमें एक ओलिवर लुटकिंस नाम का व्यक्ति है जो कि बहुत चालाक है। वह जो है न्यू मिलियंस में रहता है और अपना जो है मेहनत मजदूरी करता है और अपना कार्य करता है। वह अक्सर लोगों से पैसे उधार लेता है, देता तो है बट वह बहुत ही समय लगाकर देता है। इस बार वह जो है अदालत में किसी के केस में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह है और वह जो कानूनी जो कार्रवाई के दौरान जो कोर्ट है उसको बार बार जो है समन्स भेज रही है, लेकिन कई समन्स भेजने के बाद भी वह कोर्ट में जो है पेशी के लिए वह पेश नहीं होता है, अदालत में नहीं होता है पेश। तो जो एक इसी कानूनी फर्म में एक नया व्यक्ति आया है जो कि नया जो है जूनियर लॉयर है और वह उसको जो है ये काम दिया गया है कि वह ओला लुटकिंस के पास जाए और उसको समिन जो है तालीम कराए कि वह समन्स को पढ़कर जो है कोर्ट में पेश हो। तो वह जाता है और जैसे ही वह ओलिवर लुटकिंस के पास जाता है समन लेने के लिए, तो वह न्यू मिलियन नाम गांव के स्टेशन पर उतरता है। वहीं पे उसको जो हैक ड्राइवर है, जो हैक ड्राइवर है वही लुटकिंस है, वह उसको स्टेशन पर ही निकलते ही मिल जाता है और वह कहते हैं कि उसको कहाँ जाना है। तब जो लॉयर है, यंग लॉयर है जो सहायक लिपिक है, वह कहता है कि मुझे जो है न्यू मिलस गांव में जाना है ओलिवर लुटकिंस के पास, मैं उसको संबंध तालीम कराने के लिए आया हूँ। क्योंकि जो ओलिवर लुटकिंस है वो स्वयं ही जो गाड़ीवान है वो स्वयं ही ओलिवर लुटकिंस है और वह उसे बेवकूफ बनाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा। और वह न्यू मिलियंस नाम के गांव में पूरा टाइम उसको घुमाता है सुबह से लेकर शाम तक, है उसे खाना खिलाता है, उसे अच्छे व्यवहार करता है और लुटकिंस को सर्च करवाने में ढूंढवाने में उसकी काफी मदद भी करता है। तो जो लॉयर है उसके दिमाग में उसके लिए काफी जो है जो पॉजिटिव सोच बन जाती है कि ये व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति है जो उसकी इतनी हेल्प कर रहा है। और शाम को घुमाने फिराने के बाद, काफी सर्च करवाने के बाद उसको स्टेशन पर अपनी ही जो है तलवार जो है गाड़ी से बिठाने के लिए आता है और वो उसे आश्वासन देता है कि वो बहुत जल्दी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ निकालेगा और वह उसको जैसे ही ओलिवर लुटकिंस मिल जाएगा वह उसको जो है संदेशा भिजवा देगा। तो इस प्रकार कुछ बहुत अच्छे विचार लेकर जो है वो जो सहायक जो ओलिपिक है वो लेकर आता है और वह ये भूल जाता है कि वह किसको संबंध तालीम कराने के लिए गया था, बल्कि वह ओलिवर लुटकिंस जो जिसको स्वयं को नहीं पता था जो हैक ड्राइवर है उसको उसे नाम भी नहीं पूछा। हैक ड्राइवर का जो है पॉजिटिव विचार अपने मन में लेकर लेकर आता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो जो ओनर का जो लीगल फर्म का जो मालिक है उसे कहता है कि तुम्हें वापस जाना है और अब की बार वह उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति भेजेगा जो उसे ओलिवर रुटकिंस को पहचानता हो। फर्स्ट बार वह उसको शामिल जो है वो संबंध तालीम नहीं करा पाए, लेकिन इस बार वह उस व्यक्ति को जब भेजता है तो जैसे ही वह स्टेशन से उतरते हैं उसे जो है ओलिवर लुटकिंस जो है वो जो है ड्राइवर है वो गाड़ी जो है वहां पर लेकर खड़ा है और जैसे ही वह गाड़ी के लिए जाते हैं उसे बताते हैं कि मेरा मित्र है और पिछली बार मेरी इसने काफी हेल्प की थी। तब जो जो व्यक्ति जो ओलिवर लुटकिंस को पहचानता कहता है कि यही तो ओलिवर लुटकिंस है। तो जो जो लॉयर है उसको बड़ा ही सरप्राइज होता है, बहुत ही हैरानी होती है और जो उसके जो विचार थे जो पॉजिटिव थे वो सब जो है स्पॉइल हो जाते हैं। वी विल रीड जो है इंट्रोडक्शन। सो देखिए, लुक एट दी बोर्ड। दिस स्टोरी द हैक ड्राइवर इज द स्टोरी ऑफ ए हैक ड्राइवर कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। इस स्टोरी में जो स्टोरी का नाम है द हैक ड्राइवर, तांगा चालक। इस कहानी में जो हैक ड्राइवर है उसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। ही लिव्ड एट न्यू मिलियन और वह न्यू मिलियन नामक गांव में रहता है। He was an important witness in a court case. वह एक कोर्ट केस में बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह है। Witness means गवाह। Important महत्वपूर्ण। किसी कानूनी कार्रवाई के दौरान उसे बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह माना गया। The law firm wrote many letters to him. Law firm जो कानूनी जो फर्म होती है, जो वकील होते हैं, उन्हें उसे बहुत सारे लेटर लिखे। But he did not appear before the court. लेकिन वह जो है कोर्ट में जो शामिल जो कोर्ट में जाकर वह अपनी पेशी नहीं देता है, अदालत में पेश नहीं होता है। At last the firm sent a young lawyer to New Million
टू इशू समन्स टू रूटीन्स, और लास्ट में अंत में जो थक जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है अदालत में नहीं आ रहा है पेश होने के लिए, गवाही देने के लिए। तो उन्होंने इस बार एक नए व्यक्ति को जो अभी अभी सहायक लिपिक लगा है उसको न्यू मिलियन भेजा जाता है रुटकिंस को समन इशू कराने के लिए। द जूनियर असिस्टेंट क्लर्क डिड नॉट रिकॉग्नाइज रुटकिंस, जो जूनियर क्लर्क है जिसे अभी भी नौकरी मिली थी उसे भेजा गया, तो वास्तव में रिकॉग्नाइज तो पहचान ना पाए, रुटकिंस को चेहरे से नहीं पहचानता है। मैथी मैगा स्टेशन जो कि उसे स्टेशन पर मिल गया था, he took the assistant clerk all over the town in search of Rootkins, although he himself was Rootkins. यहाँ पर जो Rootkins है वो जो उसे बताता है कि मुझे न्यू मिलिन गांव में आकर यहाँ पे Rootkins नाम के व्यक्ति से मिलना है और उसे ये आदेश पत्र जो है तामील कराना है। तो जो Rootkins है जो स्वयं ही जो गाड़ी चालक है टांगा चालक है जो स्वयं Rootkins है वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मदद करूंगा और मैं तुम्हें जो है इस शहर में ले जाऊंगा गांव में ले जाऊंगा। तो वह जगह जगह पर उसको ले जाता है जहाँ पे Rootkins होने का अंदेशा होता है और पूरा दिन उसको घुमाता है उसे खाना भी खिलाता है वह Rootkins के घर भी ले जाता है लेकिन वह अपनी माँ को पहले ही जो है बता देता है कि इस तरह की जो बात है तो वहाँ भी उसे नहीं मिल पाता है। बढ़कर He had to return back to the city. और फिर वापस सिटी आ जाता है बट द ओनर ऑफ द लीगल फर्म सेंट हिम बैक टू न्यू मिलियन, लेकिन जो जो फर्म का जो ओनर है जो लीगल फर्म का ओनर है वह उसे वापस फिर न्यू मिलियन भेजता है। एंड ही कुड सर्व द समन्स टू Rootkins दिस टाइम, और इस बार जो है वो Rootkins को समन तामील करा पाता है क्योंकि इस बार जब वो उसे वापस भेजता है तो ऐसे व्यक्ति को भेजता है जो कि उसको रिकॉग्नाइज करता हो जो उसको पहचानता हो कि Rootkins किस तरह का दिखता है। और जब उसको साथ लेकर जाता है जब वह स्टेशन पर मिलते हैं तो वह जो किराए के लिए गाड़ी करता है कि इस गाड़ी में बैठकर जब हम चलेंगे गांव में तो वो कहता है कि यही तो Rootkins है, जो जो तांगा चालक है वही Rootkins है। ये देखकर उसको काफ़ी हैरानी होती है। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर, अब आपको लेसन पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। थैंक यू वंस अगेन।